अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में छात्र सड़क पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार छात्रों द्वारा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान छात्र रेलवे को पहुंचा रहे हैं। कई जिलों में छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी। इस मुद्दे पर शुक्रवार को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ है। सरकार को अविलंब ऐसी योजना वापस ले लेनी चाहिए जो जनहित में ना हो। गौरतलब है कि 14 जून को केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से ही लगातार छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर लोजपा रामविलास शनिवार को राजभवन मार्च का आयोजन करेगी, जो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। वहीं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अगर यही छात्र आपके समर्थन में है तो वह छात्र रहते हैं, लेकिन जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो वह गुंडे बन जाते हैं। वहीं इस योजना पर केंद्र और राज्य सरकार में भी मतभेद पर चिराग पासवान ने कहा कि इससे पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जरूरी है युवाओं के आक्रोश को समझना भी जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि मैं हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूं, पर जिसका सर्वस्व लुट गया है भैया, जिसके जीने मरने का प्रश्न है, केंद्र सरकार उसकी आवाज़ को सुने, ये भी ज़रूरी है। देखिए, जितने बड़े विषय हैं उस पर मैं ज़रूर आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से। मैं ये नहीं मानता कि हर विषय को बुलडोज किया जा रहा है, पर कई ऐसे विषय हैं जिसमें से प्रमुखता से जो किसानों से जुड़े हुए जो 3 कानून आए थे उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया और 1.5 साल के बाद उसे रिवर्स करना पड़ा, उसी तरीके से भैया भारतीय सेना दशकों से एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब उसमें भर्ती को लेकर एक नियम कायदा कानून दशकों से चल रहा है, उसमें इतना बड़ा बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो यकीनन उसमें एक आम राय पहले बनाना ज़रूरी था। आने वाले समय में भी जब कोई ऐसे बड़े विषय हो तो केंद्र सरकार सबसे चर्चा करके, सर्वदलीय बैठक करके, तमाम स्टेक होल्डर से राय मशवरा कर ही लाए तो बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है हर वो राजनीतिक दल जो संवेदनशील है, जो युवाओं के इस आक्रोश को का सम्मान करता है, मुझे लगता है उसकी सोच यही रहेगी। और इसीलिए हम लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कल तत्काल तुरंत जिस तरीके से युवाओं के सुझाव इस विषय पर आने लगे, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से, तुरंत उनकी मांगों का सम्मान देते हुए हम लोगों ने भी केंद्र सरकार से यही मांग की कि इसको वापस लेना चाहिए। इसका सम्मान करते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिहारी युवाओं की, और जो बिहारी युवाओं की आवाज़ है वही देश भर के युवाओं की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को सम्मान देते हुए इस योजना को वापस लिया जाए, ये मांग एक लिखित ज्ञापन के तौर पर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। ये मौन मार्च होगा, शांतिपूर्वक मार्च होगा, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के, शांतिपूर्वक तरीके से चुनिंदा नेता हम लोग जाएंगे और हम लोग जाकर महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वो भी केंद्र सरकार से अपने प्रदेश की इस पीड़ा का जिक्र केंद्र सरकार से करें और इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का केंद्र सरकार काम करे। और कोई विषय